नमस्ते। RCMS रॉक एंड क्लासिक म्यूजिक स्कूल की तरफ से सबको मेरा स्वागत है। हमने एक छोटी सी अभी तैयारी की है, जो तैयारी है कि जो न्यू कमर्स आते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, जो भी बजाना चाहते हैं, बच्चे भी बजाना चाहते हैं, बड़े बजाना चाहते हैं, बड़ा फैशनेबल इंस्ट्रूमेंट है गिटार, इसलिए थोड़ा सा जो भी बजाना चाहते हैं उनको मेरे तरफ से एक छोटे छोटे गिफ्ट की जरिए मैं छोटे छोटे एक्सरसाइजेस अभी ये चैनल के जरिए छोड़ूंगा, और आप ये इसको अगर थोड़ा थोड़ा फॉलोअप करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो बहुत सारे चीजें आपको सीखने को मिलेगा। पहली बात है, पहली मैं छोटी एक्सरसाइज बातें को छोटा करता हूँ। सबसे बड़ी बात है गिटार को बजाना। तो ये जो चार उंगलियां हमारा होता है, ये चार उंगलियां, चारों उंगलियों को अच्छे से आप समझ लीजिए। ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है। नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर। ये चारों उंगलियां अगर मदद एक बार दे देना, एक बार ये चल जाए गिटार के ऊपर, तो अब इधर चार फ्रेट बजाइए, फिर इधर आके चार फ्रेट बजाइए, फिर इधर आके चार फ्रेट बजाइए, हो गया आपका गिटार। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि बच्चों को समझना चाहिए। आप लोग थोड़ा सोचिए बेटा, जो भी लोग आप दोस्त लोग सीख रहे हैं, एक बार सोच लीजिए, अगर हम चार उंगलियों को चलाना सीख जाते हैं तो जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। गाड़ी अगर चलाना सीख जाते हैं, जहां भी चाहे जाएंगे, आप घूमना चाहेंगे उधर घूम के आ जाओ, कोई मना नहीं करता है। इधर बजाओ, फिर इधर आके बजाओ। ये हम छोटे छोटे एक्सरसाइज के जरिए आपको सिखाना चाहते हैं। ये मेरा आज पहला डे का पहला एक्सरसाइज है, कैसा लगता है थोड़ा बताइएगा जरूर। ऑडियो पहला काम है संगीत का, जो तीन चीजें होता है, ताल, सुर और लय। ये तीनों चीजें मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा ये क्या होता है, और जो भी हमको करना है, जो भी काम करना है, जो भी बजाना है, ताल में होना चाहिए। जैसे ताल में सूरज उठता है, ताल में रात होता है, फिर ताल में और टाइम में सुबह हो जाता है। तो हमको भी ताल के साथ चलना, समय के साथ चलना है, वो धीरे धीरे बताऊंगा। पहले मैं एक्सरसाइज बताता हूँ आपको। पहले अपनी चारों उंगलियों को चार फ्रेट पे रखना है, फ्रेट वन, फ्रेट टू, फ्रेट थ्री एंड फ्रेट फोर। और अपने जो राइट हैंड है, इसमें पिक को आप दो उंगलियों में पकड़ने की कोशिश कीजिए। एक है फिंगर नंबर वन, एक है थम, ये आपका पिक है। थोड़ा थोड़ा आपको धीरे धीरे पकड़ने से समझ में आ जाएगा, पहले पहले तो फिसलेगा, फिर आ जाएगा। फिर आप बजाना जब शुरू करेंगे, मेरा एक्सरसाइज भी मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में इनबॉक्स में सारे रिटिन में भी दे दूंगा। अभी ये सारे को मैं प्ले करके दिखाता हूँ। पहले इसको छह नंबर स्ट्रिंग जो होता है उसको ओपन बजाते हैं, उसके बाद फिंगर वन में बजाते हैं वन फ्रेट को, टू में बजाते हैं टू फ्रेट को, फ्रेट थ्री को थर्ड फ्रेट में, थर्ड फिंगर में बजाते हैं, और फ्रेट फोर को फोर फिंगर में बजाते हैं। तो इसमें चार फिंगर काम में लग गए, अभी शुरू हो गया इनका ड्यूटी, तो रिटर्न करना भी उसी फिंगर में होता है। रिटर्न फोर फिंगर, फोर फ्रेट, थर्ड फिंगर थर्ड फ्रेट, सेकेंड फिंगर सेकेंड फ्रेट, और फास्ट फिंगर फास्ट फ्रेट एंड ओपन। दीज आर प्रोड्यूस 10 साउंड्स, 10 नोट्स, 10 नोट इसमें निकल रहा है। ओपन एक फ्रेट वन टू थ्री फोर, ये हो गए फाइव, रिटर्न भी फाइव करते हैं। आपको सब में ये सारे चीजें बजाना है, और थोड़े थोड़े चेंजेस भी आपको मैं धीरे धीरे बताता जाऊंगा। पहले आप ये चार फिंगर को चलाना सीख लीजिए सिंपल मेथड में, ये चार फिंगर चार फ्रेट में चार उंगलियों में कैसे चलता है। हम इसको मैं थोड़ा थोड़ा ताल में दिखाता हूँ, ये ताल में कैसे बजता है। ताल में सर कैसे बजेगा अगर आप पूछेंगे किसको, तो ताल आपको कोई मिलेगा नहीं। तो मेट्रोनोम एक चीज है जो आप जानते हैं सब लोग, मोबाइल में भी आजकल मिलता है, उसी में आप बजाइए। इंडियन म्यूजिक का जो कॉमन टाइमिंग होता है
वो 60 होता है पर सेकंड के हिसाब से, एक बीट होता है। मैं मेट्रोनोम को एक बीट के हिसाब से सेट किया, हर नोट को एक एक बीट में बजाऊंगा, 1 2 3 4। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा आपको ये कैसे बज रहा है। हर बीट में एक एक नोट में चार फिंगर में बजा रहा था, तो ओपन भी उसमें हर नोट में ओपन बजता है, ओपन बजता है ना हर चीज में। ऐसे कोई भी स्ट्राइक करो गिटार को ओपन में कॉर्ड निकलता है, कोई भी एक स्ट्रिंग को पकड़ लो कॉर्ड बन जाता है। ये धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे कॉर्ड कैसे बनता है, ओपन कैसे। हम लोग राइट हैंड चलाना भी नेक्स्ट एपिसोड में दे देंगे आपको। आप राइट हैंड चलाना थोड़ा बहुत सबको आता है, लेकिन इसलिए मैं लेफ्ट हैंड के ऊपर जो ज्यादा ध्यान देता हूँ। तो एक्सरसाइज को थोड़ा टेम्पो 60 में हम थे पर सेकंड के हिसाब से, अभी इसको मैं डबल करता हूँ, मतलब 120। म्यूजिक में आप जानते हैं सब लोग, सब टेम्पो अगर फिक्स होता है तो वो क्या होता है, स्पीड के हिसाब से होता है। गाने हर गाने का स्पीड अलग अलग जैसे होता है, हर गाने का गाने का टेम्पो भी अलग अलग होता है। तो इसको मैंने टेम्पो थोड़ा हाई किया, और हाई टेम्पो में इसको मैं अभी इसको बजा रहा हूं। कोई भी स्ट्रिंग नहीं बचा इसमें, सब सारे बच गए, सारे उंगलियां भी चल रहे। अच्छा है ना आइडिया, अच्छा है, सिंपल एक्सरसाइज है। 1 2 3 4 को दबाओ। अब थोड़ा सा ध्यान देना बजाने के टाइम में, ये जो फ्रेट बोर्ड होता है थोड़ा सा आपको ढूंढता है कि थोड़ा प्रेस करो इसको, दबा के रखने से साउंड निकलता है, और बिना दबा के रखेंगे तो ऐसा साउंड ऐसा आएगा। पहले शुरू शुरू में ऐसा साउंड करो, फिर ये धीरे धीरे बदल के चेंज हो जाएगा। मैं इसको और थोड़ा स्पीड करके दिखाता हूं आपको, ये अगर ज्यादा स्पीड हो गया। अभी हम लोग पर सेकंड के हिसाब से, पर सेकंड में चार बीट चल रहे हैं, ये आपका मेट्रोनोम है। इतना अगर हो गया तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, इतना टेम्पो में कोई अगर बचा लेफ्ट हैंड एक्सरसाइज को, ये एक ही एक्सरसाइज को बजा लेता है, तो उसको कम से कम एक दो गाने का एक दो लाइन तो बजाना आ जाएगा ही अपने। अब पर सेकंड के हिसाब से चार बीट, 1 2 1 2 3 4। आपका सारे फिंगर चलना शुरू हो गए, सारे आप देखें कितना फास्ट चल रहे हैं। इतना अगर चला पाएंगे तो बहुत दिन है, बहुत काफी है, हो जाएगा। लेकिन इतने चलाने के लिए दिन लगेगा आपको, कम से कम हर रोज 2-2 मिनट, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट अगर प्रैक्टिस करेंगे तो 5-6 दिन में काफी है, बढ़ जाएगा। लेकिन रोज करना पड़ेगा। और सब हमेशा गिटार को पकड़ने का जो तरीका है वो ऐसे रखना है। ये आज का छोटा सा एक्सरसाइज था, कैसा लगा?
बताइएगा जरूर सबको। ICMS की तरफ से फिर से मेरा नमस्कार।